देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का क्या है रिजन, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची मोहाड़ी। देखते हैं चाय की चौपाल की टीम की खबर। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। भंडारा से हम मोहाड़ी की तरफ रुख किए हुए हैं और भंडारा के हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। अभी हम मोहाड़ी में यहाँ पे कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हैं, इनसे प्रतिक्रिया जानेंगे कि ये किस तरह देखते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को। मैं बंटी मिश्रा, ग्राम पंचायत सदस्य डोंगरगांव। आने वाला लोकसभा चुनाव ये जनता की नज़रों में 5 साल तक के सिर्फ झूठे आश्वासनों की दी हुई ये खैरात मानी जाएगी। क्यों कि मैं भी एक किसान पुत्र हूँ, हमारी किसानों की जो समस्याएं रहती हैं उसके ऊपर में कुछ भी विचार किया नहीं जाता। सिर्फ वोट करते समय पे और अपने धान के इसके उसके जो रेट रहते मैडम वो देखा जाता है। एक किसान को 22,000 रुपये प्रति एकड़ यानी एक्सपेंसेस आते खर्चा, जबकि पूरी फसल उसकी आने के बाद में उसको 15,000 रुपये भी नहीं मिलते। 2 साल से किसानों की ऐसी हालत बुरी है और पानी के लिए भी भारी तकलीफ जाती है, निसर्ग साथ नहीं दे रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समस्या किसानों की यहाँ पे भंडारा जिला, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, विदर्भ में नहीं, पूरे इंडिया में धान का हाँ। उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी कई लोगों को पैसा मिला हुआ नहीं है। ACPA घोषणा है जो लिस्ट जाती है। नहीं 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 नहीं, 30 साल में क्या नहीं हुआ मेरे को बताओ ना। ऐसी कोई एक आध भंडारे जिले की फैक्ट्री बताओ कि जिसको मोदी सरकार ने की है। नहीं 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 नहीं, मेरे को आप क्या कहे, नहीं मैंने नहीं किया बोला। मैं जो पूछ बताना चाह रही हूँ, अगर आप इस तरह से देख रहे हैं लोगों को रोजगार ना मिले तो आप देखिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, रोड्स के काम चल रहे हैं, नहीं आम मजदूर को काम मिला है। नहीं नहीं, कौन आम मजदूर है मेरे को बताओ। अभी ये डोंगर गांव से लेके तो वहाँ तक के काम चालू है, यहाँ से मुझे जाम से लेके तो लाखानदूर तक के काम चालू है। टोटल मशीनों से काम चालू है, कौन सा लेबर जा रहा है वहाँ पे नाक बब्बे मुझे। मैं आपको बताता हूँ, HIV करके दिल्ली की कंपनी है, उसको टेंडर हुआ है, टोटल काम मशीन से चालू है। कौन यहाँ पे सब लोग, हम क्यों विरोध करेंगे, देते चले ना। कौन नहीं नहीं, कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है मेरे को बताओ, कौन सुन रहा है। आप आए, आप तो सुन तो भी रहे हो, बाकी नेता लोग कौन सुन रहे हैं मेरे को समझा के बताओ, बताओ ना। नहीं नहीं, मैं भी नहीं कहूँगा, लेकिन लोकसभा के जो उम्मीदवार है हमारे इधर से जो 2 लोग खड़े हैं उनमें से आप कैसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा काम करे। हम जनता के साथ में रात दिन जो संपर्क बना करके रखे ऐसे व्यक्ति को लोकसभा के चुनाव में खासदार इस नाते देखना चाहते हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन लेकिन अभी लोकसभा के लिए जो उम्मीदवार खड़े हैं उसमें भी जो एक यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो नगराध्यक्ष रह चुके हैं, उनके विरोध में भंडारे की ही आधे से ज़्यादा नगर सेवक हैं। यानी उनके पास में जाने के लिए 3 बार बात करना पड़ता है कि हमारे को नगराध्यक्ष से मिलना है करके, ये भी एक जनता का विचार है। दूसरे नाना बाबू पंचबुदे राष्ट्रवादी पार्टी से खड़े हैं, वो क्या है साधारण व्यक्ति से कभी भी मिल सकते हैं, ये मेरा नहीं जनता का विचार है, जनता का विचार है, समझ गए। आप बुजुर्ग हैं सर, आपने यहाँ पे 30 साल की भी सरकार देखी है, 4 साल की भी सरकार देखी है, तो आपका क्या कहना है इस पर? अब वो बताया उन्होंने कोई कंडीशन है, आपका खुद का भी कुछ मत होगा इस पर? इनका ये मत है, मैं बताता हूँ आपको, इनका बीड़ी का कारखाने का काम है पूरा बंद हो गया। हमारे बीड़ी के कामगार लोग हमारे वंचित हो गए, पूरे यहाँ से बीड़ी के कामगार पूरे वंचित हो गए, काम ही उठा लिए। हजारों लोग लाखों लोग बेरोजगार हो गया, हाई बाई लेके यानी मजदूर बुढ़ो जवान से लेकर बड़ा असर पड़ा, पूरा यहाँ बीड़ी का उद्योग खत्म हो गया। ये वजह अब ये तो जनता के पब्लिक जनता के ऊपर है ना। अभी देखो जो भी आती है हमारे कहने से थोड़ी होगा, बहुमूल्य हो जाएगा, अपन ने बोल दिया आ जाएंगे ऐसा तो है नहीं। हाँ क्यों, सही काम किए हैं। हाँ हाँ
एक तो उन्हें रोजगार थोड़ा सा ये बेरोजगार को ये दिए, क्या बोले, अपने ये रोजगार संधि वो दिए, हाँ पेटी दिए उन लोगों को, सबको काम दिए थोड़ा सा, हाँ इसलिए, हाँ हाँ मुद्रा लोन नहीं जो नहीं क्या अपने ये न क्या रोजगार करो, कौन सा काम है वो अपना, स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार, हाँ रोजगार, हाँ वो काम दिए उन्होंने, वो काम उन्होंने दिए, हाँ हाँ वो आने को ना बीजेपी, हाँ आने को ना, हाँ एक बार मौका मिलने को ना, हमारा वही काम है, हम तो बोलते कि मोदी सरकार आनी चाहिए, मोदी सरकार आनी चाहिए, हाँ क्यों चाहते कि यंग लड़के काम मिलना चाहिए, नहीं काम मिलना चाहिए, हाँ वो बेरोजगारी बहुत है, हाँ बीजेपी सरकार आने के बाद आपको काम मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, बेरोजगार है ना ऑलरेडी, विदर्भ बहुत पीछे रह चुका है, विदर्भ पिछड़ गया, हाँ हाँ। MNS News Live में मोहाड़ी का सिलसिला यहीं पे हम रोकते हुए आगे की ओर रुक करेंगे, आगे की खबर देखने के लिए MNS News Live देखते रहिए, धन्यवाद। यह है लोकसभा क्षेत्र के जनता का हाल, उठ किस करवट बैठेगा इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा, तब तक के लिए देखते रहिए MNS News Live। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, तब तक के लिए धन्यवाद। We'll be right back.